कौन सा वाला, ये वाला रखेंगे। सर पीसी देख रहे हैं तो पीसी पे जाएं, सब लोगों ने प्रेम करा होगा। दिल्ली में और देश भर में कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। तो ऐसे में आज DDMA की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पर लाना चाहिए क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल कॉलेज कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएँ, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएँ और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएँ। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे, अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए, पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं, बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा, अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर स्कूल के जो टीचर्स हैं भैया वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही थी? जब हमने कॉल मंगाई थी तो हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुकें उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है,
उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगा। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकेट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकें और उसमें डिसीजन। वैक्सीन नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ किस तरह से चलेंगे, मतलब टीचर का ये कहना है कि आम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा, बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू पुश द बटन, एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा, जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा।